मैं और मेरे साथ लाखों कांग्रेस जनों की इच्छा थी कि कांग्रेस परिवार में नेतृत्व गांधी परिवार करे, परंतु गांधी परिवार ने अपने को चुनाव से अलग कर लिया है। तो उस समय खड़गे साहब से बेहतर उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता। जहां तक सवाल है दिग्विजय सिंह जी का, वो भी वरिष्ठतम और वरिष्ठ थे, लेकिन चूंकि उनका निर्णय आया है कि उनके प्रस्तावक बनेंगे, तो मैं दिग्विजय सिंह जी को प्रणाम करते हुए खड़गे साहब का प्रस्तावक बनूंगा। तो आपको उम्मीद है कि निर्विरोध निर्वाचित हो पाएंगे खड़गे? आप लोग सब काम एक स्ट्रोक में क्यों करना चाहते हैं? रुक जाइए ना, पर्चा दाखिल होने दीजिए, पर्चा दाखिल होने के बाद विड्रॉल का टाइम निकलने दीजिए, तो ये तो तय करेगा जो उम्मीदवार लड़ रहा है। मैं बोल सकता हूँ दिग्विजय जी के लिए, मैं बोल सकता हूँ खड़गे साहब के लिए, मैं जो तीसरे आदमी जिससे मिला ही नहीं मैं, उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, उसका क्या निर्णय है, क्या निर्णय है? तिवारी जी तो साफ हो गया ना कि फैमिली खड़गे को चाहती है कि खड़गे वो उम्मीदवार। देखिए ये आप लोग जरा कयास लगाना बंद कर दीजिए। मैं बहुत ही दृढ़ता से कह रहा हूँ, ये आपने कैसे कह दिया कि गांधी परिवार चाहता है, मैं सीधे से साफ कह रहा हूँ, गांधी परिवार ने इस चुनाव में कहीं भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, और अगर उनका इरादा हो जाता तो कौन चुनाव लड़ता? ये कांग्रेस से जहां लोकतंत्र है, मुझे दुख है, मैं तो चाहता था मेरी हार्दिक कि मेरे जैसे लाखों की थी गांधी परिवार हमारा नेतृत्व करे, लेकिन चूंकि गांधी परिवार नेतृत्व नहीं कर रहा है तो खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और मैं उनका प्रस्तावक हूं। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी ने इसमें बिल्कुल दखल नहीं दिया, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। सर आखिरी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आखिरी सवाल मेरा सवाल आखिरी सवाल है कि अब चाहे शशि थरूर हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये दो बड़े जो उम्मीदवार सामने नाम आ रहे हैं, दोनों ही दक्षिण भारत से हैं, आपको नहीं लगता कि एक दक्षिण भारत का मैसेज जाएगा कि दक्षिण भारत से ही आपका? दोनों हिंदुस्तान के हैं ना, भारत माता के हैं ना, दोनों भारत माता की संतान, और जोड़ो राहुल गांधी की यात्रा ही है, जोड़ो यात्रा, तोड़ो नहीं। कांग्रेस सांसद स्थिति, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैं खुद प्रस्तावक बनूंगा खड़गे जी का, अब आपका क्या बयान था? दो बयान है मेरे, भारतीय जनता पार्टी अपनी आंख खोलो, देखो लोकतंत्र है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस में चुनाव हो रहा है, आपके यहां तानाशाही है, आपके यहां चुनाव नहीं होता है। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह जी की मैं बेइंतहा इज्जत करता हूं, बहुत ही मेरे बड़े भाई की तरह आज मेरे दिल में उनके लिए और सम्मान बढ़ गया, और पुख्ता हुई मेरी ये राय कि वो कांग्रेस के एक ऐसे समर्पित सिपाही हैं जो किसी के लिए नजीर हो सकते हैं। कल उन्होंने कहा था कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें मैं पर्चा दाखिल करूंगा, संभवतः उन्होंने कहा था, और आज जब खड़गे साहब का नाम आया तो दलित समुदाय से वो आते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों के नेता रहे हैं, कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जहां के दिग्विजय सिंह जी प्रभारी रहे हैं, वो सिर्फ नामांकन ही नहीं दाखिल कर रहे हैं। धन्यवाद दिग्विजय जी, बहुत आदर के साथ मैं कहना चाहता हूं, प्रस्तावक बनने की घोषणा की, इससे मेरे मन में उनके लिए इज्जत बेइंतहा बढ़ गई। जो ये पूरा चुनाव हो रहा है, इस मुकाबले में पहले कई नाम थे, लेकिन अब आपको क्लियर है कि सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे बचेंगे? मैं और मेरे साथ लाखों कांग्रेस जनों की इच्छा थी कि कांग्रेस परिवार में नेतृत्व गांधी परिवार करे, परंतु गांधी परिवार ने अपने को चुनाव से अलग कर लिया है। तो उस समय खड़गे साहब से बेहतर उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता। जहां तक सवाल है दिग्विजय सिंह जी का, वो भी वरिष्ठतम और वरिष्ठ थे, लेकिन चूंकि उनका निर्णय आया है कि उनके प्रस्तावक बनेंगे, तो मैं दिग्विजय सिंह जी को प्रणाम करते हुए खड़गे साहब का प्रस्तावक बनूंगा। तो आपको उम्मीद है कि निर्विरोध निर्वाचित हो पाएंगे खड़गे? आप लोग सब काम एक स्ट्रोक में क्यों करना चाहते हैं? रुक जाइए ना, पर्चा दाखिल होने दीजिए, पर्चा दाखिल होने के बाद विड्रॉल का टाइम निकलने दीजिए, तो ये तो तय करेगा जो उम्मीदवार लड़ रहा है।
मैं बोल सकता हूं दिग्विजय जी के लिए, मैं बोल सकता हूं खरगे साहब के लिए, मैं जो तीसरे आदमी जिससे मिला ही नहीं मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूं, उसका क्या निर्णय है क्या निर्णय है। तिवारी जी तो साफ हो गया ना, अगर फैमिली खड़गे को चाहती है कि खड़गे वो उम्मीदवार। देखिए ये आप लोग जरा कयास लगाना बंद कर दीजिए, मैं बहुत ही दृढ़ता से कह रहा हूं, ये आपने कैसे कह दिया कि गांधी परिवार चाहता है, मैं सीधे से साफ कह रहा हूं गांधी परिवार ने इस चुनाव में कहीं भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, और अगर उनका इरादा हो जाता तो कौन चुनाव लड़ता। ये कांग्रेस है जहां लोकतंत्र है, मुझे दुख है, मैं तो चाहता था मेरी हार्दिक कि मेरे जैसे लाखों की थी गांधी परिवार हमारा नेतृत्व करे, लेकिन चूंकि गांधी परिवार नेतृत्व नहीं कर रहा है तो खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और मैं उनका प्रस्तावक हूं। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व सोनिया जी राहुल जी प्रियंका जी ने इसमें बिल्कुल दखल नहीं दिया, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। सर आखिरी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, आखिरी सवाल मेरा सवाल आखिरी सवाल है कि अब चाहे शशि थरूर हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये दो बड़े जो उम्मीदवार सामने नाम आ रहे हैं दोनों ही दक्षिण भारत से हैं, आपको नहीं लगता कि एक दक्षिण भारत का मैसेज आएगा कि दक्षिण भारत से ही आपका? दोनों हिंदुस्तान के हैं ना, भारत माता के हैं ना, दोनों भारत माता की संतान है। और जोड़ो, राहुल गांधी की यात्रा ही है, जोड़ो यात्रा, तोड़ो नहीं।